बायोलॉजी का जनन स्वास्थ्य यानी अध्याय 4 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मित्रों जो बायोलॉजी क्लास 12 का बायोलॉजी है अध्याय 4 यानी अध्याय 4 के अंतर्गत आता है जनन स्वास्थ्य। और जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत मित्रों हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। मित्रों ये जनन स्वास्थ्य है क्या, अगर बात करें जनन स्वास्थ्य के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक भावनात्मक व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। मित्रों जनन स्वास्थ्य का मतलब यही होता है कि प्रकृति में जितने भी लोग हैं, प्रकृति में जितने चीज़ें हैं ठीक, उन्हें एक तरीके से सुरक्षित रखना, सुरक्षित तरीके से रखना, कोई रोग न होने पाए, ये सब चीज़ें जो होती जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। अब इन सभी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं मित्रों परिवार नियोजन। अब परिवार नियोजन का मतलब जरा समझ लेते हैं। परिवार नियोजन का मतलब मित्रों यही होता है जनसंख्या को नियंत्रित किए रहना, यानी जो जनसंख्या को नियंत्रित किए रहना एक प्रक्रिया होती है, ये परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है राइट। अब इसमें क्या लिखता है, विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। यानी कि जन स्वास्थ्य जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई गई भारत में अपने। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत सन 1951 में हुई थी। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्य क्षेत्र फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। अब मित्रों इसमें आगे क्या आता है, इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी, जो सन 2000 में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में देखी गई, ये बात समझ में, ठीक यही प्रवृत्ति भारत में देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 35 करोड़ थी, वह सन 2011 में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब 21 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मृत्यु दर में एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है मित्रों, जो जनन स्वास्थ्य है परिवार नियोजन है, यानी कि रोग से पीड़ित मरने वालों की संख्या बहुत कम है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 1.7 लाख अर्थात प्रति 1000 में 17 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से 33 वर्षों के दौरान ही हमारी जनसंख्या दुगुनी हो सकती है। इस प्रकार की चेतावनी पूर्ण वृद्धि दर से मूलतः आवश्यकताओं का निरंतर अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न आवास कपड़े आदि, इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु तो गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए विवाह वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तक, पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों से प्रोत्साहित करता है राइट। तो ये मित्रों हम लोग सीख पाए परिवार नियोजन जनन स्वास्थ्य के बारे में है क्या जनन स्वास्थ्य। इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।